बिहार सचमुच बदल रहा है। मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए चुनी गई बिहार की काजल चौधरी। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम है तनिष्का शर्मा एंड मैं अभी रिसेंटली मिस टीन अर्थ इंडिया क्राउन हुई हूँ। इस तरह के ऑडिशंस पहले बिहार में कभी नहीं हुए, ये पहली बार है कि कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है बाय द ग्लैमिनन ग्रुप। सो बहुत अच्छा लगता है कि यू नो जब बिहार में ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। हमारे मिस यूनिवर्स बिहार के लिए बहुत ही काम किया गया है, हमारे नेशनल डायरेक्टर मिसेज नीतू कुमारी ने बहुत ही अच्छा इवेंट कंडक्ट किया है और बहुत ही ब्यूटीफुल और टैलेंटेड लड़कियाँ आई हैं आज अपना मिस यूनिवर्स बिहार का टाइटल जीतने। तो देखते हैं कौन होता है सबसे पहला मिस यूनिवर्स बिहार। पटना में पहली बार हुआ स्टेट ऑडिशन, सिटी के निफ्ट कैंपस में आयोजित हुए ऑडिशन में नजर आया बिहार का ग्लैमर। काजल चौधरी मिस यूनिवर्स इंडिया के अगले राउंड में अन्य स्टेट की विजेताओं को देगी टक्कर। मिस यूनिवर्स इंडिया टाइटल की विनर मिस यूनिवर्स प्रेजेंट्स में दुनिया को देगी टक्कर। पटना में पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ मिस यूनिवर्स इंडिया का स्टेट ऑडिशन। आपको बता दें कि एक वक्त हुआ करता था जब काजल 86 किलो की थी और भारी वजन के अलावा सांवले रंग की वजह से उन्हें खूब कोसा जाता था, लेकिन इसके बावजूद अपने सपनों को कमजोर नहीं होने दिया काजल ने। उन्होंने खूब मेहनत की और आज के समय पर वह बिहार का नाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच पर रोशन करने के लिए तैयार है। अब जल्द ही उन्हें ब्यूटी कंटेस्ट के सबसे बड़े मंच पर देखा जाएगा और बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए वह मिस यूनिवर्स इंडिया में भाग लेंगी। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।